हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका नोनी भाई, स्वागत है भाई आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो भाई सामने अपने ना एसेंट खड़ी हुई है। अब भाई एसेंट है ना, ये इतनी पुरानी हो चुकी है क्योंकि आज के टाइम में ना लोग दिखती ही नहीं रोड पे, बहुत कम दिखती है, और दिखती भी है तो भाई बिल्कुल ही है ना, मतलब सिंपल सोबर सी दिखती है। ये गाड़ियां लेके लोग मॉडिफाई कम कराते हैं। अभी ये गाड़ी आप देख सकते हो, आगे इसके ना हेडलाइट में ही प्रोजेक्टर डले हुए हैं, साथ ही में 17 इंच के अलॉय व्हील्स डले हुए हैं। चाबी की बात करें तो फ्लिप की इसमें जो है इंस्टॉल्ड है ये वाली, और पीछे से लुक दिखाया था, यहाँ डेबोन्स लिखा हुआ है, यानी म्यूजिक सिस्टम भी इसमें अच्छा लगा हुआ है। डेबोन्स का भाई बहुत महंगा आता है, कॉस्टली आता है। पीछे से आप देख सकते हो स्मोक टेल लैम्प्स हैं, और साथ ही में जो है गाड़ी मतलब पूरी लुक इस तरीके की है, यहाँ ब्लैक लिस्टेड लिखा हुआ है। तो एक बार है ना गाड़ी के ओनर को बुलाते हैं, उन्हीं से पूछते हैं भाई क्या क्या इसके अंदर करा रखा है, कौन सा मॉडल है, पूरा ओनरशिप रिव्यू इसका जो है भाई से लेंगे। भाई गाड़ी अपने वंश भाई की, तो क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बढ़िया। ये लो सबसे पहले तो गाड़ी की कमान संभालो अपनी, और साथ ही में गाड़ी के बारे में कुछ बता दो भाई। ये कौन सा, पहले तो अपने बारे में बताओ भाई। भाई मेरा नाम वंश है, स्टडी दसवीं क्लास में। अच्छा, अभी दसवीं क्लास में हो? उम्र क्या होगी भाई? 17। अभी लाइसेंस भी नहीं बना और सड़क पे लोगों की कच्ची गिली करने लग रहे हो। तो कौन सा मॉडल है एसेंट का? भाई 2011 मॉडल है, 10वें महीने का। अच्छा, तो कहाँ से दिमाग में आया कि एक पुरानी गाड़ी लेके उसको मॉडिफाई करना है? जैसे कि मैं आपने बताया अभी सेकंड हैंड है ना? थर्ड हैंड थर्ड ओनर हो गई है। हाँ। तो क्या दिमाग में आया जो थर्ड ओनर गाड़ी को आप मॉडिफाई करने लग रहे हो? बस भाई लुक के लिए। लुक के लिए? और सेडान मिल जाती है एक सस्ते? नहीं, लुक के लिए ही लेते हैं। तो और भी कितने की ली थी आपने वैसे? 130-140 की ली। हाँ। इतने में आपको और भी गाड़ियां मिल जाती, SX4 वगैरह भी मिल सकती थी, डिजायर भी मिल जाती। वे भाई पसंद नहीं है ना इतनी। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है? बस ये पसंद है। मैं वो भाई अपनी अपनी पसंद है, सब्जेक्टिव। हाँ। है, किसी को क्या पसंद आता है, किसी को क्या पसंद आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अलॉयज की, ये लगे लगाए आए थे या जो है? ये लगवाए थे। लगवाए हैं, जब आई होगी मेरे ख्याल से स्टॉक होगी। नहीं, इसमें जब हमने ली थी ये 15 इंची आए थे, इसमें 15 इंची अलॉय लगे हुए थे। हाँ जी, मतलब जिसने पहले रखी थी वो भी शौकिया बंदे थे। हाँ जी। और आगे ये लाइट का क्या है सिस्टम? ये प्रोजेक्टर बलेनो के है। प्रोजेक्टर बलेनो के हैं साथ, और ये लाइट जो है एसेंट की है, है? हाँ जी। मेरे को जब बलेनो बोला ना आपने, मेरे को पुरानी वाली जो सेडान वाली बलेनो थी वो आई दिमाग में, सडन हिट करी, मैंने कहा ये बलेनो की लाइट तो नहीं है। नहीं। तो ये प्रोजेक्टर बलेनो का है। हाँ जी। और साथ ही में साइड लुक्स की ये देख ही सकते हो, 17 इंच के अलॉय लगे हुए हैं। और क्या क्या हो रखा है भाई इसके अंदर? और तो भाई कुछ नहीं हो रहा है, अलॉय अलॉय पड़े है बस, अंडर बॉडी लाइट लग रही है, एम्बियन लाइट लग रही है। अच्छा। एक बेस ट्यूब की है। तो जैसे कि मतलब मिसकंसेप्शन एक क्रिएट कर रखा है लोगों ने, गाड़ियों में आफ्टर मार्केट काम जब कराते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। अभी ये तो वैसे भी पुरानी गाड़ी है। हाँ। तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी जो आप फेस कर रहे हो? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर रहा। नहीं, जैसा मेरे को दिख रहा है आपने बम्पर वगैरह काट रखे हैं अलॉयज के लिए, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। तो एक बार है ना गाड़ी के अंदर चलते हैं, वहीं से बात करते हैं। जरूर। कोई देख लो, ये दरवाजे भी उस टाइम पे इस तरीके के आए करते थे, खोलते ही बढ़िया आवाज करते हैं, जैसे पुरानी आवाज फिल्मों में आती है ना, वो वाली आवाज आती है इसमें। तो कितनी चल चुकी भाई ये गाड़ी? भाई ये चल रही है, देख लो आप ही। इसमें ये वाला मीटर आता था? हाँ जी। तो ऐसा बाइक वाइक में भी नहीं आता आजकल तो भाई, 111,000 किलोमीटर चली हुई है, और ये ट्रिप मीटर रीसेट करने के लिए होगा। ये देखो 2 किलोमीटर चली हुई है, ये 0 हो गई बिल्कुल ही। ऐसा तो पहले उसमें डिस्कवर वगैरह में आया करता था। और अंदर से आप देख सकते हो लेग रूम तो बहुत है इसमें। आगे तो बहुत है, पीछे नहीं है। पर पीछे नहीं है, ये लॉकर रखा है। हाँ। क्या रखा है इसमें पता नहीं है, पिस्टल दिखाना भाई। इससे नहीं बोलेगा ये फिर। और अरे भाई ये क्या ये क्या ये काम नहीं कर रहा भाई इसका। ये ऐसे ही खुलता है इसमें लॉक। मैंने कहा भाई क्यों लॉक कर रखा है इसमें, क्या पड़ा है ऐसा? हो गया लॉक। तो पुरानी गाड़ियों में ऐसे ही होता है, कहीं से भी कुछ भी खुल सकता है। और आगे आप देख सकते हो ये गियर का क्या सिस्टम है भाई? भाई ये मेरे को पसंद आया था तो ये मैंने लगवा दिया। ये देखो, पर इसमें ये दिक्कत है, इसकी रबड़ सी उतर जाती है बार बार। अच्छा, ग्रिप में अपने आप उतर जाती है या फिर? नहीं, ये हाथ नू लगते हैं ना जैसे, तो रपड़ जाए तो उतर जाती है। अच्छा, जैसे उतर गई हाथ में आ जाती है। तो इसको एक बार वापस से लगा देते हैं, इसको यहाँ अंदर लगाओ जो निकले ना।
और दो तो इसकी खूबी गिर बड़े हाँ। अच्छा भाई, जैसे पुरानी गाड़ी है कैसे हाँ। पेट्रोल पे चला रहे हो सीएनजी पे? सीएनजी पे। सीएनजी पे क्या माइलेज निकाल के दे रही है? सीएनजी पे हाईवे पे दे देती है 100-150। 100-150 बस? कितने सीसी का इंजन था इसका? 1500 का है। 1500 सीसी का इंजन हाँ जी। उसमें भी सीएनजी हाँ। तो पावर कैसी निकाल के देती है? 1500 के हिसाब से डिलीवर करती है? ठीक है हाँ, पावर वावर तो पावर वावर ठीक है। और ये क्या दे रखा है भाई इसमें? मेरे को जो है नई नई चीजें दिख रही है, ये क्या है? ये अच्छा, ये हैंडल। अच्छा, ये स्टीयरिंग एडजस्टेबल आता था उस वक्त? हाँ, 2011 में एडजस्टेबल स्टीयरिंग आता था। अब ये आप कह रहे होगे 11 मॉडल में कौन सी बड़ी बात है? हाँ। भाई ये 11 मॉडल में जो है ना ये डिजाइन नहीं हुई थी गाड़ी, और पहले हुई थी, काफी टाइम पहले से आ रही है, इस वजह से है ना ये पुराना पुराना सा देखने को लग रहा है आपको। डिजाइन इसका पुराना है, 11 मॉडल तक आई थी, शायद 13 तक आई थी। 13 तक आई है, उसके बाद वो एक्सेंट आ गई थी। और ये वुडन वगैरह जो है ये आपने करवाया है बाहर से या कंपनी से है? भाई ये कंपनी फिटेड है। कंपनी फिटेड है। म्यूजिक सिस्टम भी नहीं, ये पाइनियर का बाहर से लगवाया था, इसमें आया था भी दूसरी कंपनी का था। अच्छा, उसमें इतना स्वाद नहीं आ रहा था। और अभी जैसे पाइनियर का ये लगवा रखा है आपने, उसमें स्वाद नहीं आ रहा था, तो यानी कि म्यूजिक सिस्टम पे खर्चा कर रखा है आपने थोड़ा? नहीं 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 कर रखा, अभी नहीं करा। क्या क्या है वैसे इसमें, एक बार समझा दो। इसमें आगे दो स्पीकर है, पीछे एक बेस ट्यूब है, बस बस। तो मतलब डिसेंट सा आपने सुनने के लिए लगा रखा है। अभी करवाए गए और अच्छा, दो चार स्पीकर और लगवाए गए। तो उस टाइम पे ये गाड़ी पूरी लग्जरी प्रोवाइड कर रही थी। हाँ जी, क्योंकि किसी किसी के पास हुआ करती थी। अभी खैर 11 में तो बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी थी, जैसे देख सकते हो 11 मॉडल है, बट ये भाई पहले ही डिजाइन हुई थी गाड़ी और काफी टाइम पहले से आ रही थी। कब से आ रही थी वैसे एसेंट? भाई शायद 2005-06 से। 5-6, वो डीजल भी आया करती थी पहले। हाँ हाँ। और ये देख लो भाई, इसमें जो है ना कप होल्डर वगैरह ऐसे दे रखे थे, तो पीने खाने वालों के लिए भी भाई ये अच्छी हुआ करती थी गाड़ी, वो भी शौकीन थे इस गाड़ी के। नीचे कोई कप होल्डर नहीं था, यहीं पे अब उनके ग्लास वगैरह एडजस्ट हुआ है। यहाँ पे था भाई एक। अच्छा, यहाँ पे भी कप होल्डर है, ये तो पीछे वाले के लिए हो गए ना। हाँ, ये हैंड रेस्ट आ गया। पर यहाँ पे बोतल वगैरह रख सकते थे, पूरा सिस्टम बैठा सकते थे इसमें। और पीछे से बात करें तो ये स्मोक करा रखे है टेल लैंप से, विजिबिलिटी वगैरह में इशू नहीं होते? नहीं नहीं, लाइट पूरी दिखती है। हाँ जी। और एंटीना यहाँ पे हुआ करता था इस गाड़ी का? ये उखाड़ के ले गया कोई। कौन ले गया भाई? पता नहीं, बाहर खड़ी थी वो, ओपन था एंटीना, पता नहीं कौन ले गया। तो जो ले गया उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? दे जाओ भाई, वापसी ना मिल रहा। बाकी रस्टिंग वगैरह होनी स्टार्ट होगी भाई। हाँ जी, तो देख सकते हो भाई इतनी पुरानी गाड़ी है। डिग्गी खोलना, रोने लग गई है। ये इसमें भाई सीएनजी लगी हुई है और साथ ही में बेस ट्यूब लगी हुई है, जैसा भाई ने बताया, दो स्पीकर। और मतलब अभी भी बहुत सारा सामान रख सकते हो आप। हाँ, स्पेस हाँ। तो अच्छा खासा था इसमें। कितने किलो का सिलेंडर है ये? नहीं पता भाई मेरे को। अच्छा, 14 किलो होगा, 12 या 14 किलो। तो देख सकते हो भाई ये है एसेंट आपके सामने 2011 मॉडल। दिक्कत परेशानी कोई आ नहीं रही, बाकी भाई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे हैं इसे। और आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं इसको लेके, क्या अपग्रेड करोगे? भाई जब तक है उम्र, जब तक चलाएंगे, फिर कोई नहीं देखेंगे, या तो 13 मॉडल या अच्छा। वरना पे जाएंगे। नहीं, गाड़ी के अंदर और भी मॉडिफिकेशन कुछ कराने वाले हो या? हाँ, इसमें टायर स्टिकर और म्यूजिक सिस्टम का करवाएंगे। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम और टायर स्टिकर, दैट्स इट। हाँ जी। तो बाकी जब तक चलेगी चलाएंगे। हाँ। फिर उसके बाद नई दुल्हन लेके आएंगे। हाँ। हाँ। तो भाई इसी के साथ बहुत बढ़िया लगा भाई, टाइम निकाला आपने वीडियो के लिए, धन्यवाद भाई। तो कैसी लगी भाई आपको ये एसेंट 2011 मॉडल, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।